नमस्कार, मैं प्रशांत झा आज़ाद सिपाही यूट्यूब में आपका स्वागत करता हूं। जय काशी, भव्य काशी, दिव्य काशी। जी हां, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कल काशी विश्वनाथ कॉरिडोर का लोकार्पण किया। पूरे देश में इसका लाइव प्रसारण देखा गया। आज सुबह के अखबारों में इसकी झलक दिख रही है। दैनिक भास्कर ने लिखा, मैं सत्यम शिवम सुंदरम काशी। हिंदुस्तान ने लिखा, भव्य विश्वनाथ धाम राष्ट्र को समर्पित। प्रभात खबर ने लिखा, आज भारत सदियों की गुलामी से की हीन भावना से बाहर निकल रहा। आपका अपना अखबार आजाद सिपाही ने लिखा, काशी तो अविनाशी है, औरंगजेब आता है तो रक्षा के लिए शिव जी उठ खड़े होते हैं। इसके अलावा अखबारों की सुर्खियों में अनुसूचित जनजाति समुदाय को ऋण उपलब्ध कराने के लिए मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कल बैठक की थी, उन्होंने आवश्यक निर्देश दिए। श्रीनगर में पुलिस बल पर आतंकी हमला, प्राथमिक शिक्षकों की होगी परीक्षा, पारा शिक्षकों ने आकलन परीक्षा देने से इनकार किया, हनराज सिंधु को मिस यूनिवर्स का खिताब हासिल हुआ सहित कुछ खबरें हैं। कोरोना पूरे विश्व में संकट बना हुआ है और कोरोना के नया वेरिएंट ओमिक्रॉन को लेकर चिंता बनी हुई है। ओमिक्रॉन से पहली मौत का मामला भी ब्रिटेन में सामने आया है। यह तेजी से फैल रहा है। 17 दिन में 63 देशों में लगभग 7,000 लोग इस नए वेरिएंट से पीड़ित हुए हैं। भारत भी इससे छूटा नहीं है। यहाँ भी 38 मरीज मिले थे ओमिक्रॉन से पीड़ित, जिनमें से 20 अब तक ठीक हो चुके हैं। हालांकि इससे मौत अभी भारत में एक भी नहीं हुई है, लेकिन भारत सतर्क है और झारखंड में इसे लेकर सतर्कता बरती जा रही है। बाहर से आने वालों का कोरोना टेस्ट किया जा रहा है, उन पर पैनी निगाह रखी जा रही है। विशेषज्ञ लगातार बोल रहे हैं कि ओमिक्रॉन बहुत ही खतरनाक है, बहुत तेज़ी से फैलता है, यह तीसरी लहर का संकेत दे सकता है, इसलिए हमें सतर्क रहने की ज़रूरत है। निश्चय ही हम सभी को सतर्क रहना चाहिए, कोरोना प्रोटोकॉल का पालन करना चाहिए। आज अखबारों की सुर्खियों से बस इतना ही। इन खबरों को पढ़ने के लिए आप हमारी वेबसाइट www.azadsipahi.com पर देख सकते हैं। वहाँ पे ई पेपर भी डाउनलोड कर पढ़ सकते हैं। हमारे साथ बने रहने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल आज़ाद सिपाही को सब्सक्राइब करें। कल फिर अखबारों की सुर्खियों के साथ मुलाकात होगी। तब तक के लिए नमस्कार।